जैन धर्म के तीर्थ स्थल सम्मेर शिखर जी को पर्यटन स्थल न बनाए जाए की मांग को लेकर सकल जैन समाज ने अपना आक्रोश जताते हुए दुर्ग में पैदल रैली निकाली और दुर्ग कलेक्टर पहुंचकर ज्ञापन सौंपा, जिसे बड़ी संख्या में जैन समुदाय की महिला व पुरुष शामिल हुए। झारखंड में स्थित सम्मेर शिखर जी जैन समाज का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल माना जाता है। इस तीर्थ स्थल से 24 तीर्थंकरों में से 20 को मोक्ष मिला है। सैकड़ों मुनि महाराज ने भी देवलोक गमन कर मोक्ष को यहां प्राप्त किया है। जैन समाज के लिए यह अत्यंत पवित्र स्थल माना जाता है, इसलिए इस स्थल को पर्यटन स्थल घोषित नहीं किए जाने का विरोध जताते हुए बुधवार को सैकड़ों की संख्या में सकल जैन समाज के लोग दुर्ग के बांधा तालाब से पैदल रैली निकाली और अपना आक्रोश जताया। इस संबंध में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात कर इस संबंध में ज्ञापन भी सौंपने की बातें कही। इसी कड़ी में आज जैन समुदाय के सैकड़ों की संख्या में दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंचे और जमकर नारेबाजी की और तीर्थ स्थल को पर्यटन स्थल घोषित नहीं किए जाने को लेकर अपनी आवाज बुलंद की। इस अवसर पर समाज के लोग शामिल रहे। जो करीब करीब 3-4 हज़ार साल का उसका इतिहास है। हमारे जैन धर्म के 24 तीर्थंकर में से 20 तीर्थंकर वहाँ मोक्ष गए हैं और अनेकों साधु साध्वी लोग वहाँ मोक्ष गए। उस तीर्थ को झारखंड सरकार ने बजट प्रकाशन कर दिया है और केंद्र सरकार ने भी बजट को स्वीकृति दे दी है कि पर्यटन केंद्र बनाया गया। तो पर्यटन केंद्र बनने से वो तीर्थ रूप से भ्रष्ट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर भी मांस मछली शराब सब चालू हो जाएगी। इससे पूरे विश्व स्तर पर जैन समाज इसका विरोध कर रहा है और निर्णय लिया है कि जब तक उसको पर्यटन स्थल से घोषित नहीं करेंगे जब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। आज प्रतीक स्वरूप हिंदुस्तान में पूरा बंद करके जैन समाज ने अपना विरोध प्रकट किया। यहाँ पर दुर्ग में आए दुर्ग और भिलाई की और रैली कलेक्टर को ज्ञापन दे दी जाए और अपना विरोध कर दिया। ठीक को लेकर हमारा यही संदेश जा रहा है, तीर्थ बचाओ धर्म बचाओ। हमारा समय शिखर शाश्वत तीर्थ स्थल है, जो हमारा है हमारा ही रहेगा। हम इस मांग को लेकर शासन से अनुरोध कर रहे हैं कि यह जो आपने पर्यटन स्थल घोषित किया है उसको आप पुनः विचार करके इसको निरस्त किया जाए। जिस तरह तीर्थ स्थल को अपवित्र होने से बचाने के लिए सकल जैन समाज बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपना आक्रोश जताया है, देखना होगा कि प्रदेश के मुखिया इस दिशा में किस तरह झारखंड की सरकार से चर्चा कर सम्मेर शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित करने से बचाते हैं। ट्रेंड सीन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।